क्लास टेंथ का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पर अभी सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए मैं सॉल्व करूँगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स करेंगे। तो मेरे पास साइंस का पेपर है और साइंस में से जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले में हम देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू बेंजीन फ्रॉम एयर, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज़ 1.50, बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस ऑन एंटरिंग द बेंजीन। इसमें क्वेश्चन कहाँ है, बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, स्पीड ऑफ लाइट कितनी रिड्यूस होती है बेंजीन में एंटर करने से। तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इसमें स्पीड कहाँ इन्वॉल्व होती है। तो आंसर हमको पता है, दूसरे मीडियम में स्पीड जाएगी, दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसका जो रेशियो होगा उसके बारे में हम एक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पूछा गया है स्पीड, तो इन दोनों का रिलेशन हमको याद आना चाहिए और वो रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, आई विल राइट इट हियर, फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक जब लाइट मुड़ती है तो साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरा फॉर्मूला स्पीड का। यहाँ पर चूंकि स्पीड से रिलेटेड है इसलिए हम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ याद करते हैं। तो ये है, अब यहाँ पर हमको उनको पूछा जा रहा है, बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको मानते हैं, वी इन एयर divided by V in benzene, this is equal to refractive index 1.5, okay, तो V in benzene कितना हो गया, तो V in benzene is equal to V in air divided by 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, ओके, या 1.5, अब वी बी बेंजीन में वी ए से 2/3 है, तो हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, रिड्यूस कितनी हुई है। तो पहले कितनी थी स्पीड ऑफ लाइट वी ए, अब कितनी हो गई 2/3 वी ए, हाउ मच इज द रिडक्शन, वी राइट हियर रिडक्शन, रिड्यूस। तो रिडक्शन कैसे निकालेंगे, पहले वी ए थी और अब 2/3 वी ए हो गई, तो रिडक्शन कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/3 वी ए, इतनी रिड्यूस हो गई। ओके, अगर ये इतनी रिड्यूस हो गई तो यही नहीं, हमसे पूछा गया हाउ मच परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना हमको आता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, डिवाइडेड बाय होल नंबर वी ए, वी ए था उसमें 1/3 वी ए का परसेंटेज चाहिए, दिस, सो दिस इज 100/3 परसेंट, इसको हम लिख सकते हैं 33/3 परसेंट, ये हुआ उसमें रिडक्शन, सो दिस इज रिडक्शन, ये हमारा आंसर 1 आ गया। ओके, दिस इज आंसर 1। अब उसके बाद हमसे क्या कुछ और पूछा गया है, नो, बाय व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, सो दिस इज अवर आंसर। तो ये इतना सा ही बनेगा, ये क्वेश्चन है, दिस इज 2 मार्क्स
क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन में आपने ये लिखा, यू गॉट हाफ मार्क्स. उसके बाद जब आप इनकी वैल्यू रखते हैं, इनकी वैल्यू अगर आपने ये वैल्यूज इनकी ठीक ठीक रख दी, यू गेट अनदर हाफ मार्क, दैट इज़ वन मार्क. उसके बाद ये वी बी की वैल्यू आपने निकाली और 1/3 वी ए, दिस इज परसेंटेज कन्वर्शन. और जैसे ही आप इसको ये करते हैं, यू गेट अनदर वन मार्क. तो यहाँ हाफ मार्क, वन मार्क, टू मार्क्स, दिस इज हाउ यू गेट टू मार्क्स इन इट. एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम ए बी सी, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 20 degree, 30 degree, 40 degree. इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मैक्सिमम? वेलोसिटी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रिलेशन हमको याद आना चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं. क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, वो तो हमको दिख रहा है 20 से 30 ज़्यादा है, 30 से 40 ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी किसमें ज़्यादा है? तो इसके लिए हम पहले इनका आपस में रिलेशन निकालेंगे. रिलेशन किस तरह से बताएंगे, देखिए, रिलेशन वेलोसिटी और एंगल, इन दोनों का आपस का रिलेशन हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी से रिलेटेड होता है और एंगल भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं किस तरह से, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ये साइन आई अपॉन साइन आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड इन एयर, स्पीड इन मीडियम. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही दोनों फॉर्मूलाज हैं. अब यहां पर हमको निकालना है स्पीड इन द मीडियम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम. तो हमें इससे रिलेशन है, तीन अलग अलग मीडियम हैं, तीनों में लाइट एंटर करती है एयर से, तो ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता. म्यू अलग अलग होगा, ओके, इसको हम नहीं देख रहे हैं. साइन आई सब में हमने एक जैसा इंसिडेंस एंगल दिया, तो वेलोसिटी इन द एयर सेम है, सबके लिए साइन आई सेम है. तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम और साइन आर, इनका आपस में क्या रिलेशन हुआ? अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. दिस इज समथिंग अपॉन दिस, समथिंग अपॉन दिस, एंड दिस इज इक्वल. इसका ये मतलब है जितना ये इंक्रीज होता जाएगा उतना ये भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है. अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, क्योंकि इक्वल लगा. और अगर ये 1/2 की जगह 5 हो जाएगा तो इसको भी 5 होना पड़ेगा. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. तो ये हमको समझ में आया कि वेलोसिटी, स्पीड इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू साइन आर. लेकिन एंगल के बारे में तो आंसर है, जितना जितना एंगल इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही उसकी साइन भी इंक्रीज होती है. इसका मतलब साइन अगर इंक्रीज होगी तो आर भी इंक्रीज होगा. इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज प्रोपोर्शनेट टू एंगल आर. तो जिसका आर बड़ा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी. अब आर किसमें बड़ा है, तो इसमें हमको दिया है तीन मीडियम ए बी सी, और इसमें सी मीडियम का आर बड़ा है. सिंस आर इज लार्जेस्ट इन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन मीडियम सी. दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको लिखना है.
अब इसमें अगर आप ये रिलेशन लिख देते हैं यू गेट हाफ द मार्क्स, भले ये गलत हो जाए. और अगर इसके बाद आपने ये रिलेशन बता दिया और इससे ये रिजल्ट निकाल लिया कि सी मीडियम में आर सबसे बड़ा है, आर जहां बड़ा है वो मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी. सो दैट विल गिव यू अनदर वन मार्क. दिस इज टू मार्क क्वेश्चन. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. इट सेज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ द मैग्निफिकेशन -1. ओके, किससे बन रहा है? मिरर से. तो मिरर हमको पता है दो तरह के होते हैं या तीन तरह के होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव. उसमें हमें क्या चाहिए? रियल. जैसे ही इसमें वर्ड आएगा रियल, दैट मींस कि वो प्लेन मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, क्योंकि ये दोनों रियल इमेज नहीं बनाते. तो कैसा मिरर बचा? कॉनकेव. इसलिए हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक कॉनकेव मिरर. अंडरस्टैंड कॉनकेव क्यों किया? उसके बाद हर मिरर की एक फोकल लेंथ होती है, एक फोकस होता है. तो ये हमने उसका फोकस बनाया और फोकस को डबल करते हैं तो वो जो लेंथ आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की लेंथ आएगी. ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो उसके पोल से पार होता है. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप सबको आते हैं, आपने बनाए. अब इसके बाद ये दिया है रियल, इन्वर्टेड. हमको पता है इसमें रियल बनती है और रियल जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है. उसके बाद इसमें दिया है मैग्निफिकेशन -1. मैग्निफिकेशन -1, वन का मतलब सेम साइज, माइनस का मतलब उल्टा, दैट इज करेक्ट. तो सेम साइज की इमेज कब बनती है मिरर में? और ये हमको याद है कि सेम साइज की इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो. तो ये हमारा टेस्ट था, मेमोरी से हमको याद आया सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहीं पर उल्टा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट और इमेज. अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज बन गए, दोनों का साइज सेम रहेगा, इसलिए मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1/1, और ये निगेटिव है उल्टा, इसलिए -1. तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर में. अब इन्होंने पूछा क्या है, इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है? दिस इज 30. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होता है? डबल द फोकल लेंथ. तो ये F है और यहां से यहां तक ये 2F है. अगर ये 2F है तो हमको फोकल लेंथ भी पता लग गई, कितनी होनी चाहिए? 15. तो ये आ गया 15, ये फोकल लेंथ, राइट. उसके बाद हमारा टेस्ट है, ये हमसे पूछ रहे हैं. हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है हमने बता दिया. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ moved 20 सेंटीमीटर towards द मिरर. फिर से सुनिए, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर towards द मिरर. इसको हमको 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके आना है. यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, ये दूरी कितनी है? तो ये है 15 और ये 15. तो जब हम यहां से 20 चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? ये यहां 20 पहुंच गए हम. तो ये टोटल 30 था, उसमें 20 हम इधर चले गए, तो ये बाकी कितना बचा? 10. अब फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है? ये 10 पर ऑब्जेक्ट रख दिया. अगर ये 10 पर आ गया तो फोकल लेंथ के अंदर आ गया, ठीक है, आ गया. नाउ अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. इसका ये मतलब है अब हमारा टेस्ट क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस एंड मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड. ये हमको बनाना आना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है कहां बनेगा. और इसके लिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज.
और उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज विद हेल्प ऑफ डायग्राम. तो हमको लोकेशन भी बतानी है, नेचर भी बताना है, डायग्राम भी बनाना है, तीनों चीज़ें करनी. तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन निकालते हैं कि कहाँ पर वो बनेगा, और उसके लिए आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, दैट इज वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. अब इसमें हम वैल्यूज रखते हैं. वन अपॉन वी ये तो हमको पता लगाना है, तो ये वैसा ही रहेगा. प्लस वन अपॉन यू, ये यू कितना है 10, तो ये हमने रखा वन अपॉन 10. पर इसमें जब भी हम वैल्यू रखेंगे हमको साथ में उसका साइन अप्रोप्रिएट लगाना है. जो चीज़ें इधर से लाइट ऐसे जा रही है, जो चीज़ डिस्टेंस पोल से हम नापेंगे, पोल से इसका डिस्टेंस इस तरफ है जबकि लाइट इधर जा रही है, तो इसका साइन क्या हुआ इस डिस्टेंस का, नेगेटिव, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है और हम पोल पर खड़े हैं. पोल पे खड़े होके हमने देखा कि डिस्टेंस तो इधर है, तो इसलिए ये कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस. सो दिस इज माइनस 10, ओके, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. एफ हमने इसका लिया कितना 15. ये फोकल लेंथ हो गई 15, राइट. तो साइन ऑफ द फोकल लेंथ, यू सी दिस इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंसेज राइट में है पॉजिटिव, और जितने डिस्टेंसेज लेफ्ट में है नेगेटिव. इसलिए ये यू हमने कैसा लिया है, माइनस 10. तो फोकस भी इस तरफ है, तो ये भी कैसा लेंगे, माइनस 15, ओके. सो नाउ वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस 15, और इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस हो जाएगा. सो दिस इज वन अपॉन 10, पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस वन अपॉन 15. सो दिस इज इक्वल टू 30. 10 threes are 30 and 15 twos are 30. 1 upon 30. 1 upon V is equal to 1 upon 30. Therefore, V is equal to plus 30 centimeter. Plus, तो यहाँ से plus means इस तरफ. तो image कहाँ बनेगी? Image will be on this side. और कितनी दूर बनेगी? 30 centimeter पे. 30 centimeter पर यहाँ image बनेगी. वो थोड़ा सा ऐसा दूर करके हम बना लेंगे, और वो कैसी बनेगी, तो आंसर है उसका साइज. साइज मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन इज वी अपॉन यू. दिस इज 30 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है 15, माइनस वी अपॉन यू. सो दिस इज 30 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 2, मैग्निफिकेशन प्लस 2, यानी ये दो गुना बड़ी हो जाएगी यहाँ से. ये इसका मैग्निफिकेशन आया. अच्छा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेंड. नेचर ऑफ द इमेज, इधर जो इमेज बनता है, ये हम जानते हैं कि ये रियल नहीं होता है, और हमसे क्या कहा जा रहा है, उसका रे डायग्राम बनाना है. तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, एंड आई विल ड्रॉ इट हियर. ये यहाँ पर हमने बनाया मिरर. मिरर से ये है 15 फोकल लेंथ एफ, और ये है सी 15, और यहाँ पर हमने 10 पर, यहाँ से 10 पर रखना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमने 10 पर रखा ये ऑब्जेक्ट, दिस इज 10. अब यहाँ से रेज कैसी जाएंगी, और यहाँ से इस पॉइंट से जो रे जा रही हैं वो तो सीधे ऐसे वापस आएंगी, ये इस तरह से. ये मिरर है, हमको मालूम है कि मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, कोई भी रे उस तरफ जा नहीं पाएगी. अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी,
तो ये अगर पॉइंट ए है और ये बी है तो बी का इमेज इस लाइन पर ही कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट इससे टकराता है और वापस आता है, यहाँ कोई कर्वेचर नहीं है, ये सीधी जगह है स्ट्रेट, तो वापस आता है, तो बी का इमेज पक्का है इस पर बनेगा, लेकिन कहाँ, उसके लिए हम ए का इमेज बनाते हैं। ए से हमने ये पैरेलल रे ली, ये जो पैरेलल आएगी ये पैरेलल यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से जाएगी, दैट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे आ गई ए से आने वाली। ए से दूसरी रे हमने ली जो कि फोकस की डायरेक्शन से आती है और पैरेलल आती हुई दिखती है। देखिए दो तरह से हम ले सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है उस डायरेक्शन से वो सीधी उसी डायरेक्शन में वापस जाती, इसको भी ले सकते हैं, और हमने क्या पढ़ा है कि जो पैरेलल आती है फोकस से जाती है, तीसरा क्या पढ़ा है जो फोकस की डायरेक्शन से आती है वो पैरेलल हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक लेते हैं जो यहाँ से फोकस की डायरेक्शन से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं आप ऐसे, वो इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, उसको ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो रे जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, लाइक दिस, यस, और ये इसी डायरेक्शन में ऐसे वापस आ गई, ये वाली इस डायरेक्शन में आई, तो ए जो रे जा रही थी ये इधर वापस आई है, ये जो रे इधर जा रही थी ये इसी डायरेक्शन में ऐसे वापस आई है, तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगा, इसके लिए थोड़ा मैं इसे करेक्ट कर दूं, यस, ये रे आ रही है कौन सी, नंबर वन, ये ऐसे गई और टकराकर फोकस से होती हुई वापस आ गई, क्यों, क्योंकि पैरेलल फोकस से आती है। दूसरी जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से गई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी पकड़ी, सी से वाली, तो उसी में ही वापस आएगी, तो ये यहाँ पर वापस आ गई। अब ये रे भी ए से आ रही है, ये रे भी ए से आ रही है, और यहाँ हमने अपनी आइज रखी, यहाँ पर जब हम आइज रखते हैं इस लोकेशन पर तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये लगता है कि ए इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में, और कॉमन पॉइंट ये मिला, तो हमारी आँख को परसीव क्या होता है, हमारी आँख को ये समझ में आता है, परसीव होता है, लगता है कि ए यहाँ पर है, ये इस लोकेशन पर, तो इसको हम लिख लेते हैं ए डैश, तो ए की इमेज यहाँ बनती है, लेकिन यहाँ तो रेज जा नहीं रही है, तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, दिस इज वर्चुअल इमेज, ये। अब ए डैश यहाँ पर है तो हम हमारी आँख में बी कहाँ दिखता है, तो बी को तो यहीं दिखना है, और बी और ए हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसलिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया और ये हमको लोकेशन मिल गई बी की, जिसको हमने लिख लिया बी डैश, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये क्या बना, इमेज किसकी, ए बी की, तो ए बी की इमेज ए डैश बी डैश पर, इस तरह से आप रे डायग्राम बनाएंगे, ओके, और डिस्टेंस कितना है इसका हम पहले ही देख चुके हैं 30, मैग्निफिकेशन डबल, जितना ये है इसका डबल ये बनेगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 30, ओके, इस तरह से ये हमारा डायग्राम रे डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखिए फिर से एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आंसर वन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट
placed. If the image is at the 30 centimeter, okay, where is the object placed? At 30 centimeter. ये हमारा इसका पहले का आंसर आया कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है. राइट. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. ओके. दूसरा, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड. तो हमारा आंसर नंबर टू. If the object is moved to 20 centimeter towards the mirror, what is nature of the image object? Nature. तो इसका nature हमको कैसा मिला अगर हमने यहाँ move किया? Virtual. Virtual. या इसको हम क्या कह सकते हैं? Imaginary. तीसरा. Find the position. Sorry. Dusra. Position. Ye humne nikali 30 centimeter. Aur tisra. Nature. Nature. Virtual. Chautha. Diagram. Diagram. We have made it. डायग्राम इज मेड. तो ये इसके चार चीज़ें इन्होंने पूछी और ये चारों चीज़ें हमने बताई. और इसमें मार्किंग स्कीम है दैट दिस हैज़ थ्री मार्क्स. थ्री मार्क्स क्वेश्चंस आर क्वाइट लॉन्ग और उसमें आपको करीब करीब वन पेज या यू कैन से लिटिल लेस देन वन पेज इतना तो भरना ही चाहिए और उतना लंबा ये क्वेश्चन होता है. तो इस तरह से हमने सारे आंसर इसमें दे दिए हैं और इसमें जो मार्किंग स्कीम है इसके तीन पार्ट कर लीजिए. हर आंसर पे एक एक नंबर मिलेगा एंड यू विल गेट थ्री मार्क्स ऑन द कंप्लीशन. एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इट सेज व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस. तो पहला हमें ये बताना है कि पावर ऑफ ए लेंस का मीनिंग क्या होता है. नॉर्मली आपने याद करके रखा है पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. पर याद रखिए दिस इज नॉट द पावर. This is formula to find out the power. पर power होता क्या है? तो power क्या होता है उसके लिए याद रखिए power is characteristic of a lens to bend the light. To bend the light. More it bends, more is the power. जितना ज़्यादा bend करेगा, जितना अपने रास्ते से deviate करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी. तो आंसर को हम क्या लिखेंगे? दिस विल राइट एज This is power of the light, power of a lens. You have three lens. अच्छा, इसका measurement करेंगे तो आप उसको भी लिख सकते हैं. Power is 1 upon f. F is focal length. ये सब एसआई सिस्टम में ही लेना है अगर हम इसकी वैल्यूज रखने जाएंगे तो. अब इन्होंने दिया है ये पावर और फोकल लेंथ. ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है. इसका ये मतलब है जब पावर इंक्रीज होगी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी और जब
पावर डिक्रीज होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी. तो जैसे जैसे फोकल लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है, इस पूरे की वैल्यू डिक्रीज यानी पावर डिक्रीज होती है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अब हमारा इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है. क्या पावर्स 10 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, माइनस 10 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस. पॉजिटिव इज कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव इज कॉनकेव लेंस. सो वी विल राइट. ये क्या हो गया इनका नेचर. फोकल लेंथ लेंस वन वन अपॉन टेन मीटर का सेंटीमीटर बनाइए. तो 100 अपॉन 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ लेंस टू ये प्लस 5 100 डिवाइडेड बाय 5 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 किसका होता है नेगेटिव फोकल लेंथ. दिस इज कॉनकेव एंड रेस्ट टू आर कॉन्वेक्स. एक्सप्लेन विच ऑफ द थ्री लेंसेज विल फॉर्म a virtual and magnified image of an object placed at 15 centimeter from the lens. 15 centimeter from the lens aur humko image kaisi chahiye, virtual and magnified. Sabse pehle hum apne chart ko yaad karte hain ki virtual aur magnified kab banti hai. तो आंसर है वर्चुअल और मैग्नीफाइड सिर्फ एक सिचुएशन पर बनती, वो आपको याद आना चाहिए. और वो सिचुएशन है व्हेन देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस. जब फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पर भी, फोकस टू लेंस, उस समय जो उसकी इमेज बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो कि वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी. बाकी कोई केस ऐसा नहीं है. और इन्होंने ये दो प्रॉपर्टी पूछी. ओके, अब इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस के अंदर. लेकिन इन्होंने हमको ये बोला है कि इमेज को हम कहाँ रखते हैं, इमेज को हमने रखना है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो पहले में अगर हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, फोकल लेंथ के बाहर आ जाएगा और हमको फोकल लेंथ के अंदर चाहिए, इसीलिए पहले से वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी 15 सेंटीमीटर पर रखने पे. दूसरे की फोकल लेंथ 20 है, तो अगर इसकी फोकल लेंथ 20 है, 20, और हम ऑब्जेक्ट रखते हैं 15 पे, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और लेंस के बीच में कहीं पर आ गया, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी और लार्जर एंड वर्चुअल. और यही इनको चाहिए, लार्जर एंड वर्चुअल. तो हमको कौन सा लेंस यूज करना है, दिस सेकंड. थर्ड में रख के देखिए, थर्ड कॉनकेव है, कॉनकेव की इमेज हमेशा छोटी बनती, तो वो तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता, सो दैट इज गॉन. तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड लेंस विथ ऑफ 5 डायोप्टर उसको हम यूज करेंगे. सो अवर आंसर इज यस. ऑब्जेक्ट इज प्लेस फॉर ड्रॉ द रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. आपको इसमें भी रे डायग्राम बनाना है, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ,
आपको बनाना है कैसा, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली वैसा. फोकल लेंथ के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके पीछे बड़े साइज का इमेज बनेगा और उसमें आप लिख देंगे. फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन में हमको दिया है 15 सेंटीमीटर u, और यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा करके जब आप इसे बनाएंगे सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ बने उससे आप इसकी v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 15 और 20 को यूज़ करके, सिमिलरली एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. थैंक यू. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन देखिए. दो बल्ब हैं, दोनों की पावर 100 वॉट दी गई है. दोनों को 220 वोल्ट पर हम लगाते हैं तो दोनों की पावर अलग अलग है. वन इज 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर इज 200 वॉट 220 वोल्ट. ये इसकी रेटिंग कहलाती है, रेटिंग जो उस पर प्रिंट होती है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है देयर इज ए बल्ब, इफ यू पुट 220 वोल्ट अक्रॉस इट, उसको अगर आप 220 वोल्ट पर लगाएंगे तो आपको वो 100 वॉट पावर देगा. तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? 220 वोल्ट 100 वॉट. दिस इज नोन एज रेटिंग. अगर हमने जहां पर लगाया वहां 220 वोल्ट नहीं है, कम है, तो क्या होगा? तो आंसर है कि वो पावर 100 वॉट नहीं देगा, कम पावर देगा. ये शर्त है. 220 वोल्ट लगाओगे तो 100 वॉट मिलेगा, नहीं तो 100 वॉट नहीं मिलेगा. तो 100 वॉट बल्ब हर जगह 100 वॉट नहीं देगा, सिर्फ वहीं देगा जहाँ 220 वोल्ट का प्रेशर उसको मिलेगा, 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी. राइट? ये ठीक उसी तरह है जैसे मैंने आपको एक नल दिया और उस नल का बोर 1 इंच है और मैंने कहा जाओ इसमें 1 इंच मोटा पानी आएगा. आपने जाके एक टंकी में लगाया, 1 इंच मोटा पानी आया, बहुत तेज, यू आर हैप्पी. जाके दूसरी टंकी में लगाया, देखा पानी आता ही नहीं है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि टंकी में पानी नहीं है, या टंकी के पानी का प्रेशर बहुत कम है. तो ऐसा लगाया तो देखा धीरे धीरे पानी आ रहा है. तो 1 सेकंड में पहले ज़्यादा पानी आ रहा था, अभी 1 सेकंड में कम पानी आ रहा है, पावर बदल गई. क्यों? क्योंकि पहले टंकी में प्रेशर ज़्यादा था और दूसरी टंकी में प्रेशर कम है. ये प्रेशर ही वोल्टेज होता है. तो जब हम 220 वोल्ट देंगे तो इसमें से जो पावर निकलेगी वो 100 वॉट है, और अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो पावर कम निकलेगी. इसको कहते हैं रेटिंग. और अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो इतना ज़्यादा वो निकलेगा, इतनी ज़्यादा पावर बनेगी कि उसकी हीट से बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, वो भी रिस्की है. तो एक बल्ब को हमेशा कितनी वोल्टेज देनी चाहिए? जितनी उस पर लिखी है, और थोड़ी सी टॉलरेंस होती है, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा ले सकता है. उससे ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो गर्म होके जल जाएगा, उससे नीचे होगा तो जितनी वोल्टेज लिखी है उतनी पावर नहीं देगा, कम देगा. ये हुआ पावर, वोल्टेज, रेटिंग इसके बारे में. अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर हम सीरीज पर उसको लगा दें तो क्या वो सेम 100 वॉट एंड 200 वॉट हमको देंगे? अगर पैरेलल में लगा दें तो क्या वो सेम देंगे? कितना कितना देंगे? तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि हमको उनमें करंट निकालनी चाहिए कि अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो करंट कितनी और पैरेलल में लगाएंगे तो करंट कितनी. ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड है. इन्होंने पूछा है कि सीरीज में लगाएंगे तो करंट कितनी और पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों में करंट कितनी जाएगी. और इसके लिए जब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज बदलते हैं तो पावर बदल जाती है. तो वोल्टेज और पावर दोनों चीज़ वेरिएबल है एक बल्ब के लिए. बल्ब में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ वो नहीं बदलती? ऐसा कौन सा गुण है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? याद रखिए, रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब. रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डू नॉट चेंज वेदर यू पुट इट इन सीरीज, यू पुट इट इन पैरेलल, यू पुट इट एनीवेयर. क्योंकि रेसिस्टेंस उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है जो उसमें लगा हुआ है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. रेसिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? रिमेंबर रेसिस्टेंस की टेक्निक याद रखिए, रेसिस्टेंस हमेशा रेटेड इन्फॉर्मेशन से निकालेंगे. रेटेड इन्फॉर्मेशन जो बल्ब के ऊपर प्रिंट होती है, और वो यहाँ पर क्या है, पहले बल्ब के लिए 220 वोल्ट
एंड पावर 100 वॉट। इससे रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला याद करिए, पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। दोनों हम यूज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से ही बने हैं। सो पावर इज वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहां पर वी और पावर हमको दिया है, इसलिए वी वाला फॉर्मूला लेंगे। तो इसमें आर किसके बराबर हुआ? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर। तो हम अब रेसिस्टेंस निकालते हैं। रेसिस्टेंस फॉर बल्ब नंबर 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कितना वोल्टेज है? 220। सो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर 100 वॉट। 220 इंटू 220 इज 48,400। ये दो जीरो हो गए, 22 इंटू 22 इज 484। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 100। सो दिस कम्स टू बी 484 ओम। ये क्या आ गया? रेसिस्टेंस फॉर बल्ब नंबर 1। नाउ रेसिस्टेंस फॉर बल्ब नंबर 2, R2। R2 इज इक्वल टू अगेन 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200। इसी फॉर्मूले से करिए, 100 की जगह 200 आ जाएगा और ये आधा रह जाएगा, 242 ओम। ये दोनों के रेसिस्टेंस हमने निकाल लिए। अब सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी। ओके, तो पहले हम लेते हैं सीरीज। सीरीज में ये एक बल्ब लगाया, R1, R2 और यहां पर 220 वोल्ट। R1 इज 484 एंड R2 इज 242। सीरीज में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 220 लगाएंगे, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। और सीरीज का रूल क्या है? कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच है, उसी में ही दोनों हैं, और एक ब्रांच में एक वैल्यू की करंट फ्लो होगी, हर पार्ट में से वही करंट जाएगी। तो अगर यहाँ से करंट आई जा रही है तो यहाँ भी आई जाएगी, यहाँ भी आई जाएगी, यहाँ भी आई जाएगी। तो हम उस आई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वी अपॉन आर से। लेकिन किस, कौन सा आर? तो आंसर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको एक सिंगल आर बनाना पड़ेगा, और वो हम यहाँ बना लेते हैं। ये सीरीज में दोनों रेसिस्टेंस आपस में ऐड अप हो जाते हैं, तो ऐड अप होंगे तो 426 एंड 17, 8 एंड 42 एंड 6, 726 ओम ये आ गया। और इसको अब हमने लगाया हुआ है 220 वोल्ट, राइट। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? तो आई के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, दिस आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 220, और आर कितना है? 726। इसको डिवाइड करिए, ये इससे बड़ा है, तो इसको हमने एक जीरो और लगाया और यहाँ पे डेसिमल लगाया, एंड 7 3 21 3 इट इज़ ऑलमोस्ट 0.3। इसके बाद एक जीरो आएगा, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। सो दिस इज 0.3 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब अगर इसमें 0.3 हो रही है, तो इसी की एक ये लंबी ब्रांच है, इसका ये मतलब है कि करंट तो इन दोनों में सेम जाएगा, ये सीरीज का रूल है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 0.3। इसमें भी करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0.3। तो इसमें हमने लिखा इन सीरीज, I1 इज इक्वल टू, दैट इज I इन रेसिस्टेंस नंबर 1 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, एंड I इन रेसिस्टेंस नंबर 2 इज ऑल्सो 0.3 एम्पियर। ये हो गया। अब पैरेलल पे आ जाइए। पैरेलल में ये एक रेसिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेसिस्टेंस है पैरेलल में R2, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट से ये हमने दे दिया 220 वोल्ट। अब ये R1 की वैल्यू हमको पता है 484, और R2 की वैल्यू भी पता है, दिस इज
40, okay, 484, 242, right. Now, इस बल्ब को देखिए, R1 वाले बल्ब को, इसके ये दो एंड हैं, इसके बीच में रेसिस्टेंस है और ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, ये तो इसमें वोल्टेज कितनी है 220, इसका रेसिस्टेंस कितना है 484, तो इसमें करंट हम निकाल सकते हैं, वो करंट को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल में सबकी करंट अलग अलग होती है, यहाँ से ऐसे करंट गई, ये इसमें गई, इसमें गई, इसको जो करंट चाहिए वो एक्स्ट्रा करंट इसमें से लेता है, वो करंट यहाँ से जाएगी और ऐसे यहाँ से आएगी, तो इसमें जो करंट जा रही है आई इंटू आर वन, आई flowing through R1 is equal to 220 volt divided by 484. ये करंट हमने निकाली एंड दिस कम्स आउट टू बी यस 220 डिवाइडेड बाय 484 दैट इज इक्वल टू 0.45. ओके इसी तरह से दूसरे केस में, इसके केस में इसको भी 220 वोल्ट मिला हुआ है और रेसिस्टेंस इतना है, तो करंट पासिंग थ्रू आर टू, दिस इज अगेन 220 डिवाइडेड बाय 4242 एंड दिस इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, सो दिस इज 0.9 एम्पियर. ये इन दोनों में करंट आ गई पैरेलल की और ये इन दोनों में करंट आ गई सीरीज की, तो ये हमारा आंसर आ गया. सो दिस इज हाउ दिस न्यूमेरिकल इज डन. यहां पर ये न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए इससे एक स्टेप आगे के भी न्यूमेरिकल आते हैं. क्या वो ये है कि बल्ब वन की पावर सीरीज में लगाने से कितनी हो गई, ये बताइए. व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब वन इन सीरीज एंड पावर ऑफ बल्ब वन इन पैरेलल. सो पावर ऑफ बल्ब वन इन पैरेलल, पैरेलल में 220 वोल्ट मिल रहा है इसको, तो पावर तो सेम आएगी 100 वॉट. आप करके देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. वी विल यूज आई स्क्वेयर आर. अगर हम इसके लिए आई स्क्वेयर आर यूज करते हैं, ये आई रहा, आई का स्क्वेयर करिए, इस आर से मल्टीप्लाई करिए एंड बी श्योर मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है 100 वॉट श्योर पैरेलल में. सीरीज में देखिए, सीरीज में प्रॉब्लम है. इसका हमने आई स्क्वेयर आर निकाला, आई कितना है 0.3, सो दिस इज 0.3 स्क्वेयर into resistance 484. So this is 0.09 into 484. तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और निकाला एंड दिस कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 45 वॉट. तो ये जो 100 वॉट का बल्ब है हमको कितनी पावर दे रहा है 45 ओनली. यहां पर इसको आप निकालेंगे ये ज्यादा देगा ऑफ कोर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमको अगेन 0.3 इंटू 0.3 0.09 और इसको 09 से मल्टीप्लाई किया तो ये है पावर फॉर वन और पावर फॉर टू. मैं इसको ठीक ठीक मल्टीप्लाई करके ही बताता हूं आपको. यस दिस इज 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 484, दिस कम्स टू बी 43.5 पावर फॉर वन, 43.5 पावर फॉर टू, दैट इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 242 एंड दिस कम्स टू बी 21.8. देखिए इसकी पावर, बल्ब नंबर टू की पावर कितनी है
200 वॉट, और जब हम सीरीज में लगा देते हैं तो इसकी पावर कितनी रह जाती है, 21 वॉट, इतनी कम हो जाती है। तो जब हम सीरीज में लगाते हैं, जिसकी ज़्यादा पावर होती है उसकी पावर कम हो जाती है। अगर हम 400 वॉट का बल्ब लगाएंगे उसकी पावर और कम हो जाएगी, 5 वॉट उसकी पावर रह जाएगी। इस तरह से सीरीज में पावर हमेशा कम होते जाती है। ये 43 वॉट का हो गया, ये 22 वॉट का हो गया, और यहाँ पर आप आई स्क्वायर आर करके देखिए, पावर फॉर 100, पावर फॉर 200। तो अगर आपको रेटेड पावर लेनी है तो कैसा सर्किट यूज़ करना है, पैरेलल, ये भी याद रखिए। रेटेड पावर लेने के लिए हमेशा पैरेलल में बल्ब लगाना है, सीरीज में नहीं लगाना है। अगर आपने सीरीज में बल्ब लगा दिए तो पावर बहुत कम हो जाएगी, जितनी ज़्यादा वॉट होगी उतने वो और कम हो जाएगी। 1000 वॉट का बल्ब लगा दीजिए, 1000 वॉट का 10 वॉट पावर देगा वो, हार्डली, राइट। तो इसलिए ये दोनों फैक्ट याद रखिए, कैसे रेसिस्टेंस निकालना, कैसे करंट निकालना, कैसे पावर निकालना, तीनों चीज़। तो अलग अलग स्टेप, अगर सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन है दे विल आस्क ओनली रेसिस्टेंस, 3 मार्क्स क्वेश्चन है दे विल आस्क रेसिस्टेंस एज वेल एज करंट, 5 मार्क्स क्वेश्चन है दे विल आल्सो आस्क पावर। तो ये आपके तीनों की तैयारी इसमें हो जाती है। थैंक यू एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेसन। ये अभी मैं यही छोड़ रहा हूँ, अगला सेक्शन अगले लेक्चर में होगा, और वी विल टेक 3 लेक्चर्स टू कम्प्लीट द पेपर ऑफ फिजिक्स। सिमिलरली यू विल हैव लेक्चर्स ऑन बायोलॉजी सेक्शन एंड केमिस्ट्री एंड देन ए सेपरेट पेपर ऑन मैथमेटिक्स। सो कीप ऑन डूइंग दिस सीरीज, यू विल सॉल्व ऑल द सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 10th विच इज गिवन बाय द CBSE बोर्ड। Thank you.